स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारे हिंदी की 2 क्लास पहले से हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाया। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। वैसे विसर्ग होता क्या है? यदि हम विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ कहलाता है क्या? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 6-7 नियम है जिसको समझना बहुत ही ईजी है, लेकिन किसी भी संधि को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें स्वर और स्वर की पहचान होना, स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हमारे कैच या टैव जो वर्ब होता है इसकी पहचान। या अगर ये हमको पता है तो ईजिली हम किसी भी संधि को आसानी से जान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग के बारे में, जानते हैं कैसे किस तरीके से इससे क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाएगा और आप किस तरीके से पहचान सकते हैं और किस तरीके से इसकी संधि बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने लिखा है स शय और सय का मैं परिवर्तन। ये परिवर्तन होता कब है और किस तरीके से होता है? देखिए पहला देखिए, यदि जो हमारा वर्ब होता है ये कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग, इन दोनों को कै और पै को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो हमारे ये बचते हैं चय टय तय, क्या बचता है समझिए, चय टय तय जो वर्ग बचता है इसके जो प्रथम 2 वर्ण है ये आया समझ में। यदि विसर्ग के बाद चय टय तय पे के वर्ग के प्रथम 2 वर्ण आए तो उनके स्थान पर अगर चय वर्ग का है तो इससे यह हो जाता है, अगर वो तय वर्ग का है तो ये क्षय हो जाता है, अगर वो तय वर्ग का है तो ये क्षय हो जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, यदि हमारे जो हमारे 5 जो ये वर्ग हैं इनमें से अगर पहले और नीचे वाले अंतिम वाले वर्ग को छोड़ दें, जो हमारे 3 बीच के बचते हैं कौन कौन सा, चय, टय और तय, इनके जो 2 वर्ण होते हैं जैसे चय का क्या है, चय और छय, टय और ठय, तय और थे, इनमें से यदि विसर्ग के बाद कोई सा वर्ण आता है तो उनके स्थान पे क्या हो जाता है, उनके स्थान से शह से। अब एग्जाम में जैसे आपको ये संधि आई तो आप इसको क्या लिखोगे, चय है तो चय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निश्चल। ऐसे ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें तय है तो तय पे आप देखिए क्या आता है, तय तय वर्ग में क्या आता है, हाँ इसके स्थान में तय के वर्ग में क्या हो जाता है, से। तो ये क्या हो जाएगा, मनस्ताप, क्योंकि हमें पता है कि तय के स्थान पे सह होता है और चय के स्थान पे ये सह होता है और तय के स्थान पे ये सह होता है। अब ये निस्तेज है, अगर एग्जाम में आए आपको, क्योंकि पता है अगर हमारे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के प्रथम 2 वर्ण आए हैं किसके, विसर्ग के बाद, तो उनका जो परिवर्तन होता है इसमें हो सह 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 में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निस्तेज। आप इजीली पहचान देंगे और सही क्वेश्चन को टिक कर देंगे कि इस तरीके से परिवर्तन होता है। ये तो बात हुई परिवर्तन की। अब कुछ नियम ऐसे भी जिससे परिवर्तन नहीं होता है और ये परिवर्तन कब नहीं होता ये जानना जरूरी है कि परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तो देखिए जो हमारे ये प्रारंभ और अंतिम के जो 2 वर्ग बचे हैं, पहला नियम तो ये कहता है यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई सा वर्ण आता है, कौन से, स शय और स, यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई सा वर्ण आता है तो वहां पर विसर्ग का लोप नहीं होता है और वो सीधा सीधा ऐसे ही लिख दिया जाता है। जैसे जैसे स आया है तो इसको हम क्या लिख देंगे, दुस शासन, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा यदि विसर्ग के बाद स स और शय में से कोई सा भी वर्ण आता है तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, संधि ज्यों की त्यों उतार दी जाती है। समझ में आया आपके? चलो एक और बात, ये तो हुआ जब उसके बाद स शय में से कोई सा स आता है। एक और बात, यदि क और प वर्ग के ये जो 2 वर्ण हैं क और ख और प और फ, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से सुन लीजिएगा, जैसे हमें यह पता है जो बीच के 3 आते हैं तो परिवर्तन होता है, लेकिन अंतिम और प्रारंभ में से 2 इसके वर्ण आते हैं तो उस समय परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला था कि इसको समझना जरूरी होता है। तो समझ में आया, जैसे कि हमने लिखा रजकण, तो ये जो है के है या खे है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, रज कण। प्रातकाल के आ रहा है, मैंने बोला कि के वर्ग के
और अंतिम वर्ग पै वर्ग के अंत दो वर्ण आते हैं तो वहां परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रात काल। तो ये आप बता सकते हैं। अब देखिए कुछ हर चीज में देखिए कुछ ऐसे वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे नमस्कार है और पुरस्कार है, तो ये कुछ हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। ये एक अपवाद है, जैसे पुरस्कार इसको हम लिखते हैं पू र आधा से के आर है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि कै तो इसमें भी है कै इसमें भी है, तो ध्यान रखिए जब पीछे कार आए तो वहां आधा से लगा देना, ठीक है। ये सीधी सीधी पहचान है, ये अपवाद में आते हैं तो आप बता सकते हैं। तीन नियम आप समझ में आ चुका है आपके कि परिवर्तन कब होता है, जब दूसरा तीसरा चौथे के दो वर्ण आए तो वहां परिवर्तन होता है, किसमें होता है स और श में हो जाता है, और परिवर्तन कब नहीं होता, यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई भी वर्ण आता है तो वहां परिवर्तन नहीं होता है, और हाँ यदि क और प वर्ग में से भी प्रथम दो वर्ण में से कोई सा वर्ण आता है तो वहां भी परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखना। इसके बाद हमें तीन नियम के बारे में जाना। अब देखिए चौथा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले, मतलब विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो उसके बाद आपके जो दो वर्ण है क और ख, क और प जो वर्ण है ये, इनमें के दो वर्ण आते हैं, इस वर्ग के दो प्रारंभ वाले वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर स हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यदि विसर्ग से पहले ई की मात्रा हो या ऊ हो और विसर्ग के बाद क या ख या प या फ हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कैसे देखिए, आपको दिया नी कपट तो ई की मात्रा आ रहा है, तो मैंने बोला ई या उ आए तो यहां पे फिर क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, निस कपट। समझ में आया किस तरीके से। इसी प्रकार जैसे दुष्कर्म है तो इसको भी ऐसे लिख देंगे दु स कर्म। समझ में आया, क्यों, हमें पता है कि यदि ई या उ आए उसके बाद यदि क या प वर्ग के प्रारंभ के दो वर्ण आए तो वहां पर इनके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर क्षय हो जाता है, और ऐसे ही निष्पाप को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, निष्पाप। इसको दुष्कर्म को कैसे लिखेंगे आप, हमें तो पहले से पता उ आया हुआ है और उसके बाद क या प वर्ग का कोई वर्ण है तो स बन जाता है दुष्कर। समझ में आया, एग्जाम में इस तरीके से आएगा और आपको इस तरीके से निशान लगा कौन सा इसका सही है तो आप लगा सकते हैं, ध्यान रखेंगे सीधा कि किस तरीके से परिवर्तन होता है किस तरीके से परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके अगले नियम की। देखिए ये कहता है यदि विसर्ग से पहले ए आए, क्या आए, विसर्ग से पहले ए आए, आपको ये तो मालूम होगा कोई भी जो वर्ण होता है उसमें आ छिपा होता है। समझ में आया, जैसे आप यहाँ पे हम स जो लगाते हैं ये इसलिए आधा हो जाता है क्योंकि इसमें आ नहीं होता है, अगर ये आ उसमें हो जाता है तो ये पूरा एक वर्ण बन जाता है। तो वो ही कह रहा है विसर्ग से पहले ए हो और प्रथम द्वितीय वर्ण को छोड़कर, मतलब किसी के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, मतलब अब तक हमने जो नियम पढ़े प्रथम और द्वितीय वर्ण के बारे में पढ़े, अब उसके बाद हमारे पास तीन वर्ण और बचते हैं, यदि ऐसा हो कि प्रथम जो वर्ण हो विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद में प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, किसी भी वर्ग का अन्य कोई वर्ण हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, उसके स्थान पर ओ हो जाता है, ए के स्थान पर ओ। समझिए एक बार और, अब तक हमने जाना प्रथम और द्वितीय के बारे में, अब ये क्या कहता है नियम, यदि विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद में पहले और दूसरे, मतलब कै ख च छ ट है त है प है, इनको छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो तो उसके स्थान पर जो ए है वो ओ हो जाता है। सही है, देखिए किस तरीके से, ये आपको दिया मन प्लस जा, तो हमें ये पता है कि इस किसी भी वर्ण में ए जो होता है वो हमेशा छिपा होता है अगर वर्ण पूर्ण रूप से बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आ है तो ये क्या हो जाएगा, मनोज, क्या हो जाएगा, ये मनोज, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि क और कैसे लेके प वर्ग तक के प्रथम दो वर्ण के बाद यदि कोई वर्ण आता है तो क्या हो जाता, ओ हो जाता है, जैसे अधगति, तो हमें पता है क छूट चुका है जो कि नियम कहता है, तो ये क्या हो जाए, अधोगति हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा मनोरथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सरोवर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यशोधरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नियम ये कहता है यदि विसर्ग से पहले आ आए और उसके बाद में किसी भी वर्ग के प्रथम दो वर्ण को छोड़कर अन्य पांच तीन जो वर्ण बचते हैं उनमें से कोई भी वर्ण आता है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। तो नियम हमने इस तरीके से हम बता देंगे किस तरीके से कौन सा सही है। इसके बाद इसके दो नियम और हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं, इसी नियम को थोड़ा इसने चेंज कर दिया है, यदि ए और आ ना आके इनके स्थान पर अन्य कोई स्वर आए, समझ में आया, मतलब अब ए या आ ना आए अन्य कोई स्वर आए और नियम वही रहे तो क्या होता है, बस जहां पे ओ होता था वहां पे रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा। जैसे यहां पे मान लीजिए इसने बोला कि आ और आ ना आके अन्य कोई ई ऊ में एनी मतलब जितने स्वर होते हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो उसके स्थान पे क्या होता है विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। कैसे देखिए, जैसे आपसे बोला नी रासा नी आसा, अब इसको आपको बनाना है कि इसका शब्द क्या बनेगा। तो मैंने बताया अगर ए और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो उसके स्थान विसर्ग स्थान में क्या हो जाता है रा हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे नी रा सा। इसी प्रकार से देखिए ऊ है मतलब ए और आ नहीं है और उसके बाद में कोई भी जो प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर मतलब वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण होता है तो वहां पे क्या हो जाता है वही रा हो जाता है। तो क्या करेंगे दू रू प्योग ऐसे ये है निर्यात, हमें पता है कि या रा लाभ है से या फिर दूसरे पहले और दूसरे वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आता है तो रा हो जाता है, तो इसको इसलिए निर्यात, समझ में आया, इसको निरूर में लिख देते हैं। ये तो हुए मैं चार पांच नियम, एक और नियम और कहता है, अच्छा तो एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा नियम है। तो हमने अभी पढ़ा सह सह में परिवर्तन, उसके बाद हमने पढ़ा इस वर्ग को जाना, उसके बाद हमने जाना किस तरीके से आ आता है तो क्या होता है किस और समय परिवर्तन, उसके बाद ईयू आपके विसर्ग के बाद परिवर्तन, एक लास्ट और नियम बचता है विसर्ग में वो क्या है ये देखिए। जैसे हमने यहाँ पे जाना था यदि इनमें से स और स स में से विसर्ग के का बाद कोई भी वर्ण आए इन तीनों में से तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरीके से याद रखिएगा जब विसर्ग के बाद यदि उससे पहले आ ए और आ ना हो उसके अलावा अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो उसके बाद अगर रे आता है तो रे का जो विसर्ग है वो ऐसे के ऐसे ही उतर, विसर्ग जो उसका लोप हो जाता है और पूरा वर्ड ऐसे के ऐसे उतर। जैसे आपसे पूछा नीरस नी प्लस रस, मैंने बोला यदि ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है उसके बाद विसर्ग के बाद रे आता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं नीरस। और जो ये जो आपका दीर्घ है हश्व है तो हश्व जो होता है वो किस में परिवर्तन हो जाता है दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी। तो ये तो बात हुई हमारी, हमने जाना विसर्ग संधि के बारे में। एक छोटा सी थोड़ी सी देर के लिए बस ये भी देख लेते हैं तीनों संधियों का एक बार में रिविजन कर लेते हैं जिससे कि हम लोग जब इसको लास्ट करें विसर्ग संधि को तो हम तीनों को भी देख सकें इनमें क्या 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 हमने किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर संधि की। जैसा कि हम जानते हैं स्वर संधि पांच भागों में बटी हुई है, कौन कौन से थे वो थे आपके सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद आपने पढ़ा था गुड़ संधि, गुड़ संधि के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के बाद यण संधि और अयादि संधि। इन सारी संधियों की हमने एक पहचान भी बताई थी किस तरीके से पहचान करते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना था। तो पहले नंबर बात करते हैं हम स्वर संधि में, स्वर संधि की जो हमारी पहली संधि है दीर्घ संधि, वो क्या कहती है यदि पहला जो वर्ण है वो उसके जो स्वर है उसके समान ही स्वर आता है तो वहां पे क्या होती है दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे ए प्लस ए तो मिलकर क्या होता है आ हो जाता है, मतलब यदि ये सब क्या हो जाते हैं ये हस्व से दीर्घ हो जाते हैं तो हमारी स्वर संधि समाप्त। उसके बाद हमने बताया था यदि ए या आ के बाद ई या ऊ या रे में से कोई सा भी वर्ण आता है तो वो क्या होता है वहां पे कौन संधि बनती गुड़ संधि। जैसे हम देखिए ए और ई तो ए बन जाता है, ए और ऊ ओ बन जाता है, समझे। तो यहां पे कौन सी संधि हो जाती है गुड़ संधि हो जाती है। यदि
ए या आ के बाद ए बड़ा ए छोटा ओ ये आते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ए प्लस ए मिलके बनाते हैं ए, और ए प्लस ओ मिलके बनाते हैं औ। तो यहां पे भी इस तरीके से हमारा परिवर्तन हो जाता है, मतलब हर्ष दीर्घ में बदल जाता है। तो ये तो पहचान हुई हमारी गुण की वृद्धि की। अब हम बताते हैं यण संधि कैसे पहचान करते हैं। यदि इनके बाद इनसे अन्य कोई स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ई के साथ ए आता है तो या हो जाता है, और ऊ के साथ आता है तो वा हो जाता है। ये हमने बताया था पहचान करने के लिए। यदि ए ए ओ के बाद कोई स्वर आता है इनसे भिन्न तो वहां पे क्या हो जाता है, अय हो जाता है, आय हो जाता है, अव हो जाता है, आव हो जाता है। ये हमने बताया, पहचान हो गई आपकी सीधी सीधी। अब बात करते हैं हम कौन सी संधि की, व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में हमने बताया था तीन चार नियम बताए थे कि पहले जो वर्ण है, पहले वर्ण का परिवर्तन जो होता है वो तीसरे वर्ण के रूप में हो जाता है। जी क है तो गै लिखा जाता है, पहला नियम हमारा ये बताता था। जैसे हमने बताया दिग्गज, दी प्लस गज, तो हमने आदम गै बताया, दी आदि दिग्गज होता है। उसके बाद हमने बताया था तय संबंधी नियम, यदि तय के बाद लय है तो उसका परिवर्तन लय में हो जाता है, यदि तय के बाद चय और छय है तो उसका परिवर्तन चय में हो जाता है, यदि तय के बाद टय और ठय है तो तय का ठय में परिवर्तन हो जाता है, यदि तय के बाद स है तो तय का जो परिवर्तन चय में होता है और स का परिवर्तन छय में होता है। ये भी हमने बताया था। यदि तय के बाद है आता है तो जो तय का परिवर्तन होता है वो दय में हो जाता है, और जो दय का परिवर्तन है का परिवर्तन है वो धय में हो जाता है। याद आया आपको? तो ये हमारा हो गया रिवीजन। उसके बाद फिर आते हैं सीधा सीधा हम विसर्ग संधि में, एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं। इसमें तीन चार नियम है। पहला नियम क्या कहता है, यदि हमारे जो बीच के तीन वर्ग हैं उनके प्रथम दो वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर स श से हो जाए। चे आता है तो स, ये वाला स चे के स्थान पे, टे आता है तो ये वाला स, और अगर तय आता है तो ये वाला स हो जाता है। पहला नियम तो ये कहता है। दूसरा नियम ये कहता है यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई सा आता है तो वहां पे कोई विसर्ग का लोप नहीं होता, ऐसे के ऐसे शब्द का यूज हो जाता है। यदि पहले वर्ग के और पै के दो वर्ण आते हैं तो वहां भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी हमने जाना। तीसरा नियम हमने ये जाना कि यदि ए और आ के बाद इनको छोड़ने के बाद जो तीन वर्ण बचते हैं ये और या रेले बे आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ये नियम जाना। उसके बाद हमने इसका एक नियम और जाना, यदि ए और आना आके अन्य कोई स्वर आता है और उसके बाद ये अंतिम तीन वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर रा हो जाता है। समझा हमने रा किस तरीके से होता है। एक नियम हमने ये भी जाना, यदि विसर्ग के बाद रा हो जाता है तो रा विसर्ग का लोप हो जाता है और हर्ष जो है वो दीर्घ में बदल जाता है। तो छोटी छोटी बातें थी जो एक बार हमने रिकॉल कर ली। तो इसी के साथ हमारी हिंदी की क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िएगा, और शेयर जरूर करें, इसको प्लीज़ ना भूलें।